ओके हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज सीए कल्पक बांगर दिस साइड एंड आई वेलकम यू टू द लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। आई नो बहुत ज्यादा फॉर्मल हुआ ये इंट्रोडक्शन, बट मजा आता है ऐसा कभी बोलने में। ठीक है, तो अब हम लोग जाएंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर पे जो हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने क्या क्या देख लिया अब तक? हमने देखा मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड में दो चीजें, डिजायर होना चाहिए, विलिंगनेस टू पे दैट प्राइस होना चाहिए। सिर्फ इच्छा हो के नहीं चलता गुड्स खरीदने की, उसकी जो प्राइस है वो पे करने की इच्छा होनी चाहिए। फिर हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड जो बोलता है डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशन है। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है डिमांड और प्राइस के बीच में इनवर्स रिलेशन है, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे जाएगा। अच्छा, ऊपर नीचे सिर्फ प्राइस जाता है, उसके बेसिस पे डिमांड चेंज होगा। प्राइस ऊपर जाएगा डिमांड नीचे जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, और प्राइस नीचे गया तो डिमांड ऊपर जाएगा किसी भी प्रोडक्ट का। उनमें होता है इनवर्स रिलेशनशिप। फिर हमने डिमांड स्केड्यूल देखा। इसे डिमांड स्केड्यूल बोला जाता है कि अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटीज क्या क्या डिमांडेड है। ओके, दैट इज द डिमांड स्केड्यूल। फिर हमने डिमांड कर्व देखा कि जैसे जैसे प्राइसेस नीचे आती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ते जाती है। अगर प्राइस जीरो होगी तो डिमांड मैक्सिमम होगी, और अगर प्राइस हाँ सॉरी प्राइस जीरो होगी तो डिमांड यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ठीक है, और अगर प्राइस मैक्सिमम होगी तो डिमांड जीरो होगी। इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, फिर हमने देखे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि हम लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशन देखना चाहते थे कि प्राइस का डिमांड पे क्या रिलेशन है। जब जब प्राइस बदलता है तो डिमांड में क्या क्या चेंज आती है, तो इसीलिए बाकी चीजें जिनके ऊपर डिमांड बेस्ड है वो सब हमने अज्यूम की आर कॉन्स्टेंट। ना कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, ना बढ़ रही है, ना कम हो रही है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो नेचुरली डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस कुछ भी रहो। कंज्यूमर की चॉइसेस चेंज नहीं हुई, फैशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही फैशन चेंज हो जाता है जो भी प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गया उसकी प्राइस कम भी हुई तो भी डिमांड खत्म हो जाएगी। जो भी प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो गया उसकी प्राइस कम होने के बाद भी उसकी डिमांड खत्म हो जाएगी। रिलेटेड गुड्स जो होते हैं सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री, इनके प्राइसेस चेंज नहीं हुए, क्योंकि सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया तो भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल, पेट्रोल महंगा हो गया तो पेट्रोल गाड़ियों की डिमांड कम होने लग गई। नेक्स्ट, साइज एज कॉम्पोजिशन एंड सेक्स रेशियो, पॉपुलेशन का चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन की टोटल साइज चेंज नहीं हो रही है, जितने लोग पहले थे आज भी उतने हैं। एज कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, एज कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है का मतलब क्या? जितने बड़े बूढ़े लोग हैं वो वैसे के वैसे, अगर पहले 40% बच्चे थे हमारे पॉपुलेशन में आज भी वैसे ही है। सेक्स रेशियो, मेल और फीमेल क्या जो आपस का रेशियो वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो चेंज हुआ तो भी डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज ऑफ गुड्स अवेलेबिलिटी में चेंज नहीं आया। इनकम इज प्रॉपरली, इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मैनर एज इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अर्लियर। ऐसा नहीं हुआ कि इस बार लोगों के बीच में इनकम ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अगर लोगों के पास ज्यादा इनकम आ जाएगी तो डिमांड चीजों की अपने आप बढ़ेगी, प्राइस कुछ भी हो। गवर्नमेंट ने अपनी कोई पॉलिसी चेंज नहीं की, और वेदर कंडीशंस में भी चेंज नहीं आया। कल हमने शुरू किया था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तीन तरीके के एक्सेप्शंस फोर एक्सेप्शंस हम लोगों ने देखे थे। अब एक्सेप्शन क्या होता है? जो रेगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, बट एक्सेप्शन में गिफिन गुड्स का उल्टा है। गिफिन गुड्स वो इंफीरियर गुड्स है जो हम मजबूरी में कंज्यूम करते हैं। हम पैसे वाले हो जाएंगे ना तो हम उनको अब खरीदना ही बंद करेंगे, और वो प्रोडक्ट ऑलरेडी मजबूरी में खरीद रहे हैं हम लोग, तो उनकी प्राइसेस अगर और कम हो गई ना तो हम उसे खरीदना बंद कर देंगे। पहले ही हम उसे, मतलब वो प्रोडक्ट इंफीरियर है, ठीक है, तो हम उसे खरीदना कम कर देंगे जब उसकी प्राइसेस गिर जाएगी, दैट इज गिफिन गुड्स। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड बढ़ जाती है, जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स व्हिच हैव स्नॉब अपील। स्नॉब जो दिखावे के लिए या प्रेस्टीज के लिए गुड्स हम लोग खरीदते हैं, उन प्रोडक्ट्स को के लिए डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। ये महंगी चीजें अपनी प्राइस की वजह से, अपनी ब्रांड वैल्यू, अपनी प्रेस्टीज की वजह से बिकती है, तो वो जितनी महंगी उतनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। कभी कभी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन हमने ऑलरेडी ऊपर अजम्पशन में पढ़ लिया। ठीक है, हमने अजम्पशन में क्या पढ़ा स्पेकुलेशन की केस में? अगर आज प्राइस थोड़ी सी बढ़ी और मुझे लग रहा है फ्यूचर में और बढ़ जाएगी तो मैं आज थोड़ा ज्यादा खरीद लूंगा। इवन दो आज थोड़ा प्राइस बढ़ा है तो भी डिमांड बढ़ जाएगा। व्हेन पीपल आर एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू राइज फर्दर, एंड इवन इफ प्राइसेस फॉलिंग अ लिटिल टुडे एंड पीपल एक्सपेक्ट कि प्राइसेस विल फॉल फर्दर,
तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो डिमांड कम हो जाएगी, समझा? प्राइस कम हो रही है तो भी डिमांड कम होगी, बिकॉज पीपल आर वेटिंग फॉर द प्राइसेस टू फॉल इवन फर्दर, एंड कंज्यूमर का साइकोलॉजिकल बायस, कभी कभी कस्टमर्स को लगता है कि जो चीज सस्ती है ना, जिसकी प्राइस कम हो गई है, उसकी क्वालिटी बंगार है, इसीलिए जैसे जैसे उसकी प्राइस गिरती है उसकी डिमांड करी कम हो जाती है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, लेटेस्ट फोन ले लो बच्चों, आज जो फोन लेटेस्ट है 2 साल बाद वही फोन आपको बहुत सस्ते में मिलेगा। आज 50,000 का फोन 2 साल के बाद, आज 50,000 का फोन 2 साल के बाद आपको 10,000 में भी मिला, तो आप बोलोगे अरे यार ये क्वालिटी बंगार है। आज वो प्राइम फोन है, सबसे इंपॉर्टेंट फोन है, 2 साल बाद आपको क्या लगेगा, नहीं यार ये सस्ता है ना, इसमें मजा नहीं है, समझा? ऐसा होता है। फिर हमने देखा लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लायर कौन होता है, जो गुड्स बेचने आता है मार्केट में, ये गुड्स बेच के पैसे कमाना चाहता है, इसीलिए इसकी पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम प्राइस पे गुड्स बेच के जाए, ठीक है? तो लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि भाई जब प्राइस बढ़ेगी किसी कमोडिटी की, सप्लायर और ज्यादा गुड्स सप्लाई करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ऑन द सेम प्रोडक्ट। 780 रुपीज का मेरा एक प्रोडक्ट खरीदा मैंने, मैं 80 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा है, 100 पे बिका तो मुझे 20 रुपीज प्रॉफिट होगा, बट 120 पे बिका तो, 120 पे बिका तो मुझे 40 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा, समझा? यहाँ पे दैट इज वाई लॉ ऑफ सप्लाई सेज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। अगर किसी कमोडिटी की प्राइस मार्केट में बढ़ते जा रही है तो सप्लायर उसका सप्लाई भी बढ़ाते जाएगा, समझा यहाँ पे? बट स्टॉक और सप्लाई में फर्क होता है, एक सप्लायर के पास कितना माल पड़ा है दैट इज स्टॉक, उसमें से वो अभी एग्जिस्टिंग प्राइस पे कितना बेचना चाहता है दैट इज द सप्लाई, ठीक है? बट इसमें भी हमने देखा सेटेरिस पैराबस, मतलब अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब हमने कुछ अजम्पशंस देखे कि हाँ सॉरी व्हेन अदर थिंग्स आर इक्वल, पहली चीज प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो प्रोड्यूसर ज्यादा बेचने के लिए रेडी होगा, ठीक है, एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफाइड टाइम, समझा? क्वांटिटी सप्लाइड इज रिलेटेड टू अ स्पेसिफाइड टाइम का मतलब क्या बोला उन्होंने बच्चों, कि जो भी प्राइस अगर 100 रुपीज पे मैं अभी 1000 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, तो ये शायद 1 या 2 या 10 दिन के लिए प्राइस होगी, जिंदगी भर के लिए मैं 100 रुपीज पे 1000 यूनिट सप्लाई करने के लिए नहीं बैठा हूं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल होता है तब तक मेरी ऑफर वैलिड होती है, समझा? फिर हमने अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई देखा, पहला अजम्पशन हमने देखा कि देयर इज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं अभी 1000 यूनिट्स बनाता हूं सेमी ऑटोमेटिक मशीन यूज करके, ठीक है, अगर मैंने ऑटोमेटिक मशीन लगा ली तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, इवन दो देयर इज नो चेंज इन द प्राइसेस, इसीलिए पहली चीज देयर शुड बी नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरी चीज देयर शुड बी नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेरी कॉस्ट है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कॉस्ट, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो गए तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा क्योंकि मुझे प्रॉफिट कम हो रहा है, समझा? तो वी आर अज्यूमिंग नो चेंज इन द फैक्ट प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, आज हम 4 फर्म सप्लाई करते हैं, साल भर बाद भी 4 रहेंगे ना तो सप्लाई बढ़ने नहीं वाला क्योंकि हम चारों उतना ही सप्लाई कर रहे हैं, बट आज हम 4 फर्म सप्लाई कर रहे हैं महीने भर में और 6 फर्म्स ऐड हो गई, टोटल 10 फर्म्स मिलके गुड सप्लाई कर रहे हैं, तो नेचुरली ही क्या हो जाएगा, अगर 10 फर्म्स मिलके सेम गुड सप्लाई कर रहे हैं बच्चों तो नेचुरली क्या हो जाएगा, नेचुरली सप्लाई बढ़ जाएगा इवन दो प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आए हैं, और हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, प्राइसेस में चेंजेस की वजह से सप्लाई में क्या चेंज आया है, ठीक है? सो नो चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, नो चेंज इन द गोल ऑफ द फर्म, मैंने बोला था आपको किसी भी फर्म के 2 गोल्स होते हैं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली कंपनी बोलती है हम जो भी बेचेंगे हर एक में ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे एप्पल, ठीक है, एप्पल का गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एप्पल बोल रहा है यार हमारे प्रोडक्ट्स प्रीमियम होंगे, हम महंगा बेचेंगे, हम देखो 100 में से अगर एक बंदे के हाथ में भी एप्पल रहा ना तो चलेगा, हमें सेल गुड्स का सेल बढ़ाना नहीं है, बट हमें जो भी प्रोडक्ट बेचना है उसमें ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो ये लोग अलग गोल के साथ चलते हैं, इनका प्राइस के ऊपर बहुत ध्यान होता है, समझा? जब प्राइस बढ़ेगी ना तभी ये सप्लाई बढ़ाएंगे क्योंकि इनको पर प्रोडक्ट ज्यादा कमाना है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देन कम सम ब्रांड्स लाइक ओप्पो वीवो, आज ओप्पो वीवो भी एप्पल को कम्पीट कर रहे हैं, नो डाउट डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं है, बट ओप्पो वीवो जब स्टार्टिंग में आया उनका गोल था सेल्स मैक्सिमाइजेशन, उन्होंने बोला सर कम प्राइस तो कम प्राइस, हम कम प्राइस पे भी ज्यादा गुड सप्लाई करने को रेडी है क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा बेच के, मतलब एप्पल जहां पे एक फोन के पीछे 50,000 कमा रहा है ना सर,
हम एक फोन के पीछे 2000 ही कमाएंगे, बट हम एप्पल का जब एक फोन बिकता है तो हम 30 फोन बेचने की कोशिश करेंगे। सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कम से कम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा गुड्स बेचने का। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है जब प्राइसेस बढ़ेगी आपके प्रोडक्ट की, तब भी जब आपके प्राइस प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेगी तभी आपने सप्लाई बढ़ाना चाहिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाली फर्म्स ये लॉ फॉलो करेगी, बट अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मेरा गोल शिफ्ट हो गया सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे, तो मैं कम प्राइस पे भी ज्यादा बेचने के लिए रेडी हो जाऊंगा, क्योंकि सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाले का गोल हायर प्राइस पे बेचना नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी बेचना है, और ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइसेस कम करना पड़ेगी। नो चेंज इन द टैक्स एंड सब्सिडी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट का टैक्स अगर बढ़ गया तो प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, प्रोडक्ट महंगा हो गया तो हमें नहीं पड़ेगा, हम उसे बेचना बंद कर देंगे। सब्सिडीज में भी चेंज नहीं आए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड्स, क्योंकि जो भी बंदा हमसे गुड्स खरीदेगा हमारे कॉम्पिटिटर के पास जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इक्विलिब्रियम, और अब हम मार्केट पे शिफ्ट हो रहे हैं। ओके बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है। सर 10 मिनट क्या था? दैट वॉज प्योर रिविजन। आई डोंट बिलीव इन गोइंग बियॉन्ड विदाउट रिवाइजिंग वॉट एवर वी हैव डन। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जो देखा वो कल का था, इसीलिए थोड़ा फास्ट था। अब एक एक चीज वापस से मैं समझाने के लिए वापस आ गया इधर। ठीक है, चलो तो कल से हम जा रहे हैं लाइव बच्चों। ठीक है, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम। अब हुआ क्या देखो बच्चों, हुआ ऐसा कि मार्केट में बाय करने के लिए लोग आ गए, बाय करने के लिए लोग आ गए। इन ये है हमारी डिमांड साइड। ओके, मार्केट में दामाद साइड हो गई, ये तो हे भगवान दामाद कहां से आ गया, ये हो गई हमारी डिमांड साइड। और फिर वही उसी मार्केट में जो गुड्स बेचने के लिए आए हैं उसको हम बोलते हैं सप्लाई साइड। बच्चों इस चैप्टर में क्या क्या देखना है? डिमांड, सप्लाई और मार्केट। ठीक है, डिमांड साइड और मार्केट साइड। अब इनमें गड़बड़ क्या हो रही है ना वो देखो, एक सेकेंड ना, इनमें गड़बड़ हो रही है। ये क्या गड़बड़ है? सिंपल सी गड़बड़ देखो, लॉ ऑफ डिमांड दोनों जगह अप्लाई होता है। जब प्राइस 100 है, एक सेकेंड ना, जब प्राइस 100 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 5 है, जबकि क्वांटिटी सप्लाइड 50 है। ठीक है, अब आप ही खुद बताओ मुझे देख के, जैसे जैसे प्राइसेस कम होते जाएगी डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रहा है, दैट इज वेरी नॉट नेचुरल। और यही तो कंसेप्ट हम दो दिन से पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बोलता है कि बेटा जब प्राइस कम होगी, जब जब प्राइस कम होगी तब तब डिमांड बढ़ते जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई हमें बोलता है जब जब प्राइस कम होगी सप्लाई कम होते जाएगा। तो अब मार्केट में क्या होगा ये देखो, आज मार्केट में अगर 100 रुपए भाव चालू है तो सिर्फ 5 किलो माल बेचने के खरीदना चाहते हम लोग। मैं डिमांड साइड पे हूँ, आप सप्लाई साइड पे हो। मैं मार्केट में कुछ खरीदने आया और प्राइस 100 रुपए है, मैंने बोला यार 100 रुपए में तो मैं 5 किलो ही खरीदेगा। आपको पूछा तू कितना बेचेगा, आपने बोला सर 100 रुपए में हम 50 किलो बेचने के लिए रेडी है। तो देर इज अ सरप्लस ऑफ गुड्स इन द मार्केट टूडे। यू आर रेडी टू सेल 50 kgs बट द पीपल आर ओनली बाइंग 5 kgs। आज मार्केट में क्या हो गया, आज मार्केट में तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सप्लाई बच गया जो तुम्हें घर लेके जाना पड़ेगा और तुम्हारे स्टॉक में ऐड कर देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब आगे जाते हैं। अगर प्राइस 80 पे आ गई, धीरे धीरे देखो 90 पे अगर आई तो मैं 12 यूनिट खरीद लूंगा, बट आप 41 बेचने के लिए रेडी हो। जैसे देखो आप 100 रुपए पे 50 यूनिट बेच रहे थे, एट 100 रुपीज यू आर रेडी टू सेल मी 50 यूनिट्स, बट आई वॉज ओनली रेडी टू बाय 5 यूनिट्स। मेरा भी बजट है भैया, पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे को 100 रुपए में 5 ही यूनिट खरीदने को परवड़ते, वो भी मेरी मजबूरी है इसलिए ले रहा हूं मैं 5 यूनिट। ठीक है, हाँ अगर तू मुझे 10 रुपए में देगा ना तो मैं 55 यूनिट बाय करेगा। आप बोलोगे बेटा 10 रुपए में तुझे दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बीवी बच्चे रस्ते पे आ जाएंगे कंगी कपड़ा करते हुए, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, मतलब तुम्हारे। अगर मैं 10 रुपए में 55 यूनिट मांगता हूँ, आप बोलते हो नहीं भैया 10 रुपए में तो हम 5 यूनिट ही बेचेंगे, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही है देखो। सुबह सुबह आपने आपका दुकान खोला, आपने बोला चलो हम 50 किलो, आपके पास स्टॉक बहुत पड़ा है, आपने देखा मार्केट में 100 रुपए भाव चालू है, आपने बोला हम लोग आज 50 यूनिट बेचने के लिए रेडी है, आपने देखा नहीं यार बट डिमांड जो है ना, डिमांड ठीक है, डिमांड तो सिर्फ 5 यूनिट की है, एक काम करते थोड़ा भाव कम कर देते हैं। भाव 90 पे आया, 90 पे यू आर रेडी टू सेल 41,
बट अभी भी बायर वॉज रेडी टू बाय ओनली 12 और भाव कम हो गया, भाव हो गया 80 रुपीज, भाव हो गया 80 रुपीज, तो बायर वॉज रेडी टू बाय 18, यू आर रेडी टू सेल 35, बायर सिर्फ 18 खरीदना चाहता है, अभी भी 17 बच जाएंगे। अब आप जो भी माल बचे वो घर पे थोड़ी लेके जाना चाहना चाहते हो, आप तो यहाँ बेचने आए हो ना, लॉजिकली सोचो आप क्या करने आए हो, आप आए हो गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है। अब 50 यूनिट आप बेचने को रेडी हो 100 रुपए पे, बट वो 5 ही यूनिट खरीद के लेके जाएगा और फिर 45 लेके बैठना पड़ेगा। आप बोलोगे यार आज धंधा ही नहीं हुआ, सिर्फ 5 ही यूनिट भी के 45 यूनिट अब मुझे घर पे लेके जाने पड़ेंगे, एक काम करता हूँ घर पे लेके जाने से अच्छा थोड़ा प्राइस कम कर देता हूँ। आपने 90 किया, आप बोले चल यार 90 में 41 बेच देता हूँ, 9 यूनिट कम बिकेंगे बट एटलीस्ट 41 तो बिक जाएंगे। सामने वाला बोलता है नहीं सर हम तो 12 ही खरीदेंगे, फिर प्राइस गिर के 80 पे आई तो सामने वाला 18 खरीदने के लिए रेडी। एक अकेला बायर नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे बायर मिलके देखो 5 रुपए कुछ ही बायर्स का, देखो 100 रुपए कुछ ही बायर्स का बजट था, अगर 90 प्राइस आ गई ना तो थोड़े ज्यादा बायर्स का बजट बढ़ गया, अगर और प्राइस नीचे आ गई तो और बायर्स ऐड होते जाएंगे, और प्राइस नीचे आई और बायर्स ऐड होते जाएंगे, और जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है सेलर्स कम होते जाएंगे, ठीक है। 100 रुपए पे कुछ सेलर्स, सारे सेलर्स 100 पे बेचने के लिए रेडी है, 90 पे कुछ सप्लायर्स बोलेंगे हम नहीं बेच सकते यार 90 पे हमको नहीं परवड़ता, बट कुछ लोगों को अभी भी परवड़ता है 80 पे, और लोग बोलेंगे हमको भी नहीं परवड़ता हम भी जा रहे हैं 28 उसके नीचे, समझा यहाँ पे, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, समझा यहाँ पे। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है ना मोर बायर्स आर रेडी टू बाय इट बिकॉज दे हैव मोर कैपेसिटी, अलग अलग बायर्स की अलग अलग कैपेसिटी होती है बच्चों, कुछ लोगों को वो चीज 100 में परवड़ रही है तो कुछ लोगों को वो चीज 70 में होगी तभी परवड़ेगी, 80 में भी नहीं, 90 में भी नहीं, 100 में भी नहीं, ये हो गया बायर की साइड से। बट अगर मैं सेलर की साइड से बात करूं, सारे के सारे सेलर्स मैक्सिमम प्राइस पे बेचने के लिए रेडी है, बट जैसे जैसे प्राइस कम होगी ना कुछ कुछ सेलर्स गायब होते जाएंगे, क्योंकि सारे सेलर्स की कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होती, कुछ सेलर्स अपनी घर के मतलब अपनी खुद की फैक्ट्री में बना के, खुद की जगह है, खुद की फैक्ट्री है, खुद का कैपिटल है, जो सेलर्स जिनके पास कुछ भी बोरोड नहीं है, सब पैसा घर का है, वो तो 100 रुपए में क्या, वो तो 5 रुपए में भी गुड्स, देखो जब प्राइस 10 रुपए है ना कम से कम प्राइस में भी वो बेचने के लिए रेडी है, क्योंकि उनको ना इंटरेस्ट भरना है ना रेंट भरना है, उनके एक्सपेंसेस ही कम है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, समझा कि नहीं समझा, ठीक है। और जो बंदे की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है उसको सेलिंग प्राइस भी हाई लगेगी, तब तक वो बेचेगा ही नहीं जब तक सेलिंग प्राइस एक लिमिट के ऊपर ना चली जाए। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस गिर रही है डिमांड बढ़ते जा रही है सप्लाई कम होते जा रहा है, और एक मौका ऐसा आ गया 60 रुपीज का, जहां पे 60 रुपीज पे बायर्स आर रेडी टू बाय 25 एंड सेलर्स आर रेडी टू सेल 25 यूनिट्स, यहां पे मैच हो गया उन दोनों के बीच में, और ना सरप्लस बच रहा है ना शॉर्टेजेस पड़ रही है, तो दैट इज हाउ मार्केट में 60 रुपीज पे आज प्राइस स्टेबल हो जाएगा। सर ऐसा चलता है क्या? यस बेटा चलता है। आप अगर आपकी सिटी में सब्जी खरीदने जाओगे कभी, प्लीज ध्यान देना, आप किसी भी सिटी में रहते हो सब्जी खरीदने जाओगे तो आप आपके घर के आसपास कहीं सब्जी खरीदने जाओगे, ठीक है। आज आप गए सब्जी खरीदने के लिए, आपने बोला हमें प्याज खरीदना है, प्याज कांदा आलू, आलू नहीं प्याज, इस कांदा, आज आपको प्याज खरीदना था, आप मार्केट में चले गए प्याज खरीदने के लिए, प्याज की भाव आज थी 30 रुपीज केजी, वेरी गुड। दो दिन के बाद आप फिर से प्याज खरीदने चले गए, उस दिन भाव था 20 रुपीज पर केजी, आपने उस वेजिटेबल वाले को पूछा है भाई ऐसा क्यों रे भाई, कल तो परसों तो 30 रुपए में दे रहा था, आज आ गई तेरी अकल ठिकाने, आज 12 रुपए में, आज 20 रुपए में दे रहे हैं, तो वो क्या बोलेगा, सर मार्केट में आज सप्लाई ज्यादा है इसीलिए प्राइस कम है, इसका मतलब क्या, ध्यान दो। अब होता क्या है ना, ये जो सब्जी वाला है आपके घर के पास, ये मेन मार्केट से सब्जी उठा के लेके आता है, दिस सब्जी वाला व्हिच इज लिविंग इन सॉरी सेलिंग गुड्स नियर योर हाउस, what he will do is he will go in the market main market jahan pe sare farmers apna stock la ke rakh dete hain, ab jis din pyaaz onion jis din kam aaye hain market mein main market mein us din onion mehenge milenge usko khud ko, wo vegetable supplier jo aapke yahan ka vegetable seller usko us din onions mehenge milenge, kyun, kyunki us din supply kam hai, theek hai demand zyada hai to wo equilibrium pe aa jayega, price us din 30 rupees ho jayegi, ठीक है। जिस दिन सप्लाई बढ़ जाएगा उस दिन प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। वैसे करके रोज की प्राइसेस अपने आप सेटल होती है, वेयर बायर्स कितने सेलर्स कितने इसको ध्यान में रख के ऑटोमेटिकली प्राइस सेटल होती है। सर रियल लाइफ में ऐसा और कहा हो सकता है बच्चों, हर जगह होता है,
जैसे ही कोई फेस्टिवल आ गया, जैसे ही कोई फेस्टिवल आ गया, किसी भी रिलीजन का होने दो, जैसे ही कोई फेस्टिवल आया, वो जहां जहां सेलिब्रेट होता है वहां वहां मिठाइयों के भाव बढ़ जाते हैं, वहां वहां फूलों के भाव बढ़ जाते हैं, बिकॉज 90% हर एक रिलीजन में फेस्टिवल्स के दिन फूल लगते हैं, ठीक है। तो जब भी फूलों की जरूरत पड़ती है, अब फूल बेचने वालों को भी पता है, जैसे कल अब नवरात्रि शुरू होने वाली है और बहुत अब महाराष्ट्र में तो मंदिर भी खुल रहे हैं, नेचुरली कल फूलों के भाव ज्यादा रहेंगे दो रीजंस क्या है, नवरात्रि भी है, मंदिर भी खुल रहे, तो उस दिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस भी वहां पे यू नो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है ना, सेलर को दिखता है कि आज ज्यादा लोग बाय नहीं कर रहे ना, एक काम करते हैं हम प्राइस को थोड़ी कम कर देते हैं, प्राइस धीरे धीरे सेलर भी कम करेगा तो बायर को भी, देखो जैसे जैसे प्राइस सेलर को दिख रहा है कि माल नहीं बिक रहा है, सेलर थोड़ी थोड़ी प्राइस कम करते जाएगा, सेलर जैसे ही थोड़ी थोड़ी प्राइस कम करते जाएगा, बायर थोड़े थोड़े अट्रैक्ट करने लग जाएंगे, और एक टाइम आएगा जहां पे जिसके नीचे ना सेलर जाने को रेडी है ना बायर उसके ऊपर जाने को रेडी है, दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस विच इज प्रेवलेंट इन द मार्केट, प्रेवलेंट होना चाहिए वैसे, बट मेरे को प्रेवलेंट बोलने को अच्छा लगता है, द प्राइस विच इज प्रिवेलेंट इन द मार्केट 60 रुपीज इज दैट प्राइस वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जितना बायर्स बाय करना चाहते हैं एग्जैक्टली उतना ही सेलर्स या सप्लायर्स सप्लाई करना चाहते हैं, ना कोई सरप्लस है ना कोई शॉर्टेज है, उसे बोला जाता है क्या, तो उसे बोला जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल। अब अगर यहाँ पे देखोगे ना 10 रुपए, जब 10 रुपए भाव है ना तो पीपल वॉन्ट टू बाय 55 बट सेलर्स आर ओनली सेलिंग 5, So, 50 केजी कम पड़ रहा है, दैट इज अ शॉर्टेज, 50 केजी कम पड़ रहा है, दैट इज अ शॉर्टेज, समझा। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम, अगर मैप पे देखोगे तो इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट होता है, मैप बोल रहा हूं सॉरी ग्राफ, आई एम सो सॉरी, अगर ग्राफ पे देखोगे तो इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट होता है, ये है मेरा वाई एक्सिस, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ पे डिमांड कर्व ड्रॉ करूं तो देखो आपको खुद को पता है कि यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड और यहाँ पे है उसका प्राइस, किसका प्राइस, उस प्रोडक्ट का, ठीक है। अब नेचुरली प्राइस यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, लेट अस अज्यूम, मैं बस एक अजम्पशन दे रहा हूं, लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे प्राइस 10 रुपए है और यहाँ पे प्राइस 100 रुपए है, क्वांटिटी की केस में भी वैसा ही होगा, यहाँ पे प्राइस 10 होगी और यहाँ जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे अगर क्वांटिटी 10 रुपीज है, 10 यूनिट्स है, तो यहाँ पे क्वांटिटी 100 है, ठीक है। अब सप्लाई कर्व की बात करते हैं, सप्लाई कर्व में क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेगी, देखो जब सबसे ज्यादा प्राइस है तो सबसे कम क्वांटिटी डिमांडेड होगी, मतलब जब प्राइस 100 है तो क्वांटिटी 10 है, बट जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी 100 है, तो ये आ जाएगा हमारा सप्लाई डिमांड कर्व, जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है ये हमारा डिमांड कर्व है, व्हाट डज दिस से, ये क्या बोलते हैं सर, जैसे जैसे प्राइसेस यहाँ कम हो रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जा रही है, बट इफ यू टॉक अबाउट द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व हमेशा ओरिजिन से ही निकलता है, याद रखना, तो ये हमारा सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में क्या है कि जब जब प्राइस 10 रुपीज है तो क्वांटिटी भी 10 ही सप्लाई होगी, जब प्राइस 100 रुपीज है, देखो जब प्राइस 100 रुपीज है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 100 ही होगी, समझा यहाँ पे, दैट इज आर सप्लाई कर्व। एंड नाउ अगर आप गौर से देखोगे तो ये वो पॉइंट है विच एट विच बोथ द क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड मैच करते हैं, इस पॉइंट पे जो क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आज मार्केट में बिक जाएगी, बट उसके लिए ये प्राइस रखना पड़ेगा, सपोज प्राइस आया 60, ठीक है, और क्वांटिटी आई 25, इसका मतलब ये जो 60 है ये हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है और 25 हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, इसका मतलब ये समझो आज मार्केट में 25 यूनिट्स ही बिकेंगे, ठीक है, और 60 रुपए पे बिकेंगे। सर बट अगर प्राइस 70 होगी तो क्या होगा, आगे देखेंगे, अगर प्राइस मार्केट में 50 है तो क्या होगा देखेंगे, बट अभी के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट समझो, इक्विलिब्रियम पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द क्वांटिटी सप्लाइड विल बी इक्वल, ये हमारा कर्व जो है ये हमारा सप्लाई कर्व है,
ठीक है, अब सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व यहाँ पे मीट कर गए, तो वो प्राइस जो है वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और उस प्राइस पे जितनी क्वांटिटी हम मांग रहे हैं उतनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है, इसीलिए देयर इज नो शॉर्टेज और नो एक्सेस, समझा, ना सरप्लस है इक्विलिब्रियम पे, देयर इज नो शॉर्टेज नॉर सरप्लस, समझा, यहाँ पे इफ अ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स और अ सर्विस क्रिएट्स अ शॉर्टेज, इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स वॉन्ट टू बाय अ हायर क्वांटिटी देन द वन ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, इन दिस केस डिमांड एक्सीड सप्लाई एंड कंज्यूमर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, ऐसा कब होगा, यहाँ पे ध्यान दो, हमने जो लाइन पढ़ी उसका मैं मीनिंग बता देता हूं, ध्यान दो, अभी फिलहाल हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस 60 है, अब आगे का पार्ट पे जाते हैं, सपोज मार्केट में आज 60 रुपीज है, मार्केट में प्राइस आज 60 रुपीज है, बायर्स वांट टू बाय 25 केजी, सेलर वांट्स टू सेल 25 केजी, सब हंसी खुशी घर चले जाएंगे, मैं बायर बन के मार्केट में आया, मैं 60 रुपीज पे 25 केजी खरीदने के लिए रेडी था, आप सेलर बन के मार्केट में आए, आप 60 रुपीज पे 25 केजी बेचने के लिए रेडी थे, मैं मस्त चलते चलते टकाक 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 पहुंच गया मार्केट में, मैंने बोला भाव क्या है, आपने बोला 60 रुपीज, मैंने बोला 25 केजी चाहिए, आपने बोला अरे मुबारक हो हम भी 60 पे 25 केजी ही बेचना चाहते थे, आप मुझे 25 केजी दो, आप आपके घर आपके बीवी बच्चों के साथ, मैं मेरे घर अपने मम्मी पापा के साथ, मस्त खुशी खुशी आज का दिन खत्म, नो सरप्लस नो शॉर्टेज, यू आर हैप्पी आई एम हैप्पी, जितना मुझे चाहिए था उस प्राइस पे मुझे मिल गया, जितना आपको बेचना था उस प्राइस पे आपने बेच दिया, मैं बार्गेन कर रहा हूं, अरे सर 60 में 40 दे दो ना, आप बोलोगे भैया 40 तो मैं 70 में ना दू 80 में ना दू, 40 चाहिए ना तेरे को 90 रुपीज पे कर, बोलूंगा बापरे 90 नहीं जान दो 60 में 25 दे दो, आप बोलोगे यार एक काम करना 60 में ना 5 यूनिट ही खरीद, मैं बोलूंगा नहीं नहीं 60 में मैं 25 यूनिट बाय करना चाहता हूँ, 25 दे रहे तो बोलो वरना मैं घर जा रहा हूँ, समझा यहाँ पे, सो अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस है, मतलब मार्केट अगर बैलेंस्ड है और इक्विलिब्रियम पे चल रहा है, तो सब हंसी खुशी घर पे जाएंगे, ऑल आर सेटिस्फाइड, बट ये है हमारा डिमांड और सप्लाई का स्केड्यूल, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है 60, इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम प्राइस आ रही है 60, बट मार्केट में फिलहाल प्राइस चालू है 40. अब क्या होगा देखो, और ये कंसेप्ट यहाँ पे समझाया है, अगर मार्केट में इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस चालू है, देखो इफ देयर इज अ चेंज इन द प्राइस, ठीक है, और सर्विस दैट क्रिएट्स अ शॉर्टेज, शॉर्टेज कब होगा बच्चों, शॉर्टेज तब होगा जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, हाँ ना, सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो बच्चों आपके लाइफ का ही एग्जांपल ले लो, डिमांड क्या है, पापा मम्मी से हमको ये चाहिए वो चाहिए, फोन चाहिए आई फोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, गाड़ी चाहिए, घूमने को गोवा जाने को पैसा चाहिए, डिमांड कितनी है बहुत ज्यादा, सप्लाई कितना है 100 रुपए एक दिन का, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100 रुपए मिलते, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपका खर्चा है 1000 रुपए एक दिन का, आपकी डिमांड है कि पापा हमें 1000 रुपए रोज चाहिए, पापा बोलते ले बेटा 100 रुपए मजे कर, तो इज देयर अ शॉर्टेज, यस, वैसा ही यहाँ पे देखो एट 40 रुपीज व्हाट इज हैपनिंग, 40 रुपीज मतलब 60 से भी नीचे, 60 रुपीज पे मैं 25 केजी बाय करने के लिए रेडी था, अगर प्राइस 40 है तो नेचुरली मैं ज्यादा बाय करूंगा, आई एम रेडी टू बाय 41, आई एम रेडी टू बाय 41, बट द सप्लायर इज नॉट रेडी टू सेल मोर, 60 पे इफ ही वाज सेलिंग 25, 40 पे ही इज सेलिंग ओनली 18 यूनिट्स एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 23. अब ऐसे में क्या हुआ देखो, आप मैं हम सब मस्त की मार्केट में चले गए, आप मैं सब मार्केट में चले गए, हमने देखा मार्केट में भाव चालू है 40, हम बहुत खुश हुए, यस आज भाव बहुत कम है, हम 41 केजीज बाय करेंगे, ठीक है, सप्लायर के पास गए, सप्लायर ने बोला इतना चमाल है, कितना 18 केजीज, अरे सर दो ना यार 22 किलो 25 किलो दो ना, थोड़ा हमको 40 किलो माल चाहिए प्लीज दो ना, क्या वो आपको 22 केजीज या 25 केजीज देगा, नहीं, क्योंकि 40 पे वो 18 केजीज ही देने के लिए रेडी है, अब हम लोगों में हो गया झगड़ा शुरू, आप में मेरे में हम सब में झगड़ा शुरू हो गया, मुझे पहले क्योंकि उसके पास 18 केजीज ही है और हम सबको मिला के चाहिए 41 केजीज, तो इसमें से जिन जिन लोगों को 18 केजी मिल गया टोटल वो घर चले जाएंगे खुशी खुशी, हम बाकी के जो लोग 23 केजी का शॉर्टेज है हम लोग घर पे डिससैटिस्फाई होके जाएंगे, क्यों क्यों, क्योंकि हम जो क्वांटिटी ऑफर कर रहे हैं द कंज्यूमर्स वांट टू बाय अ हायर क्वांटिटी देन द वन ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड इन दिस केस डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड, हाँ बट धीरे धीरे मार्केट इक्विलिब्रियम पे कैसे आता है देखो, फिर 18 तो वो बेचने के लिए रेडी था 40 पे, 18 तो वो बेच देगा, अब 23 बचे
अब हम क्या करेंगे, अब वो सेलर क्या बोलेगा, देखो सर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेके आपको, मतलब आप 50 दोगे ना तो मैं और 4 यूनिट देने के लिए रेडी हूँ, आप 60 दोगे ना तो मैं और, तो इस तरह से प्राइसेस बाद में बढ़ती है। वो कैसे, वो मार्केट वैसे ही काम करता है, समझा। नेचुरली सेलर को जब दिख रहा है कि ये ज्यादा बाय करने के लिए रेडी है, मैं तो 40 पे 18 यूनिट ही बेचूंगा। सेलर 40 रुपीज पे 18 यूनिट्स ही बेचने के लिए रेडी है, बट उसे दिख रहा है कि आज बायर्स खड़े हैं, 23 केजी और माल की डिमांड है। सेलर क्या करेगा फिर, जिनको 18 की जो मिल गया उनको तो दे देगा, फिर सेलर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाएगा। सेलर बोलेगा देखो सर आप 50 रुपीज दे रहे हो तो मैं और 4 यूनिट दे सकता हूं, समझा यहाँ पे वैसा। सो नाउ कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, किधर गया, सो हमने क्या देखा कि अगर इक्विलिब्रियम के नीचे चली गई प्राइस तो डिमांड ज्यादा होगी। बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, प्राइस जब नीचे जाती है तो डिमांड ही बढ़ेगी, और प्राइस जब ऊपर जाती है तो सप्लाई बढ़ेगा। तो प्राइस अगर 40-60 से नीचे, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे चली गई, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, देयर विल बी अ शॉर्टेज, एंड व्हेन एवर देयर इज अ शॉर्टेज कंज्यूमर्स आर नॉट हैप्पी। ओके, अब जाते हैं आगे। इन कॉन्ट्रास्ट इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट्स अ सरप्लस, सपोज प्राइस बढ़ के 90 हो गई, हम लोग मार्केट में गए घूमते घूमते हाथ में हाथ डाल के, किसके वो तुम देख लो, मुझे कोई लेने देना नहीं है, मैं अकेला जाता हूँ मार्केट में, मस्त अकेला मार्केट में गया मैं 60 रुपीज पे 25 केजी खरीदने के लिए रेडी था। मार्केट में जाते ही भाव देखता हूँ 90 रुपीज, मैंने बोला अरे यार बजट की तो वाट लग गई, 60 रुपए में 25 किलो खरीदना था बट अब 90 में 25 नहीं खरीद सकता हूं मैं, 25 किलो अगर 90 के भाव से खरीदने जाऊंगा तो मेरा बजट, देखो मेरे दिमाग में क्या था बच्चों, 60 रुपीज दूंगा तो मुझे 25 किलो मिल जाएगा, वहां डॉलर्स है, बट प्लीज इग्नोर दैट, वी आर टॉकिंग, वी आर इन आवर कंट्री इंडिया, सो वी शुड टॉक अबाउट रुपीज रुपीज रुपीज, मैं डॉलर्स को कभी भी रुपीज ही पढ़ूंगा, आपके इंस्टीट्यूट ने अपडेट करना चाहिए, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज अ डॉलर वी शुड टेक इट एज रुपीज। अब एक बात समझो, मैं बोल रहा हूँ यार 60 रुपीज में 25 किलो मिल रहा था, ऐसा मैं सोच के निकला था घर से, वहां जाता हूं तो देखता हूं कि 90 में 12 केजीज मिल रहा है, मतलब अगर मुझे 25 किलो लेना है तो मुझे 180 से भी ज्यादा ऑलमोस्ट 200 रुपीज खर्चा करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो 25 केजी लेने के लिए अगर 90 रुपीज में 12 केजीज मिल रहा है तो 180 में 24 केजीज मिलेगा, समझे, ऑलमोस्ट 190 से लेके 200 रुपीज लग जाएंगे मुझे 25 केजीज खरीदने के लिए, मैं बाकी का क्या करूं। तो हम जब मार्केट में गए हमें देखा कि यार प्राइस 90 है, 60 में अगर हम 25 खरीदने के लिए रेडी थे तो जैसे ही प्राइस बढ़ गया डिमांड कम हो जाएगी, 90 में वी आर रेडी टू बाय ओनली 12, वेयर एज द सप्लायर इज हैप्पी, सप्लायर बोल रहा है सर 60 रुपए में हम 25 बेच रहे थे, 90 में हम 49 बेचेंगे, अब हो गया सरप्लस ऑफ 29, सरप्लस 29 का हो गया तो प्रोड्यूसर की वाट लग गई। देखो इट मींस दैट कंज्यूमर्स वांट टू बाय लेस देन द वन ऑफर्ड बाय द प्रोड्यूसर, इन दिस केस supply exceeds demand and producers need to lower the price of the product to avoid excessive inventory. अब देखो ये scene में क्या हुआ, last चीज़ है ये इस topic की अभी के लिए इस page की। तो देखो अब दोनों scene आपको समझ गए, equilibrium 60 है, अगर price 40 होगा ना तो demand ज़्यादा है supply कम है, supplier भाव खाएगा, supplier बोलेगा देखो सर आप 43-41 kg खरीदना चाहते हो, मैं तो सिर्फ 18 बेच रहा हूँ, चलो बोली लगाओ जो ज्यादा देगा मैं उसको दूंगा। उल्टा अगर प्राइस 90 पे चला गया, सप्लायर बोल रहा है मेरे पास 41 केजी माल है 90 में खरीदेगा, मैं बोला नहीं खरीदेगा जा भाई 12 किलो ही खरीदने का, देने का तो देने तो मैं जा रहा घर पे, तो सप्लायर को इस केस में धीरे धीरे प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी, समझा। सो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम वो प्राइस होती है मार्केट में जहां पे डिमांड इज, उस प्राइस पे जितनी डिमांड है सप्लाई भी उतना ही है, सो एक ऐसी प्राइस है जिसपे देर इज नो सरप्लस नो शॉर्टेज। ओके, अगर मार्केट में प्राइस इक्विलिब्रियम के नीचे चली गई, प्राइस जब भी नीचे जाती है तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, देयर विल बी सरप्लस डिमांड या एक्सेस डिमांड बिकॉज ऑफ द शॉर्टेजेस क्रिएटेड, समझा यहाँ पे, एंड द कंज्यूमर्स विल नॉट बी सैटिस्फाइड। ओके, एंड इफ द प्राइस गोज फ्रॉम 60 to 90, इफ द प्राइस गोज फ्रॉम 60 to 90, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा बट डिमांड कम हो जाएगी, और इस केस में एक्सेस सरप्लस हो जाएगा, और सरप्लस होने की वजह से क्या हो रहा है, सप्लायर को प्राइसेस कम करनी पड़ेगी, समझा। सो क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड एट प्राइस लेवल ऑफ 60 रुपीज, द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 60 रुपीज, कोई भी और लेवल पे इधर शॉर्टेज या सप्लाई पक्का होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, बस
पांच से दस सेकेंड रुकेंगे हम लोग और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शुरू करेंगे. पानी वानी पीना है पी लो. मैंने पांच से दस सेकेंड बोला, पांच से दस मिनट नहीं. ओके, तो अब हम शुरू करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है. हमने देख लिया था लॉ ऑफ डिमांड में कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस. डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, इसका मतलब उन्होंने बताए थे. उन्होंने क्या बोला था आपको इसका मतलब कि सर जब भी प्राइस चेंज होगी तब डिमांड भी चेंज होगी. वेरी गुड, ताली बजाते हैं इस बात के लिए. बट अब देखो क्या सभी प्रोडक्ट्स की डिमांड प्राइस के साथ इक्वली चेंज होती है? नहीं. हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखेंगे कि प्राइस में कितना चेंज होने के बाद डिमांड में कितना चेंज हो रहा है. दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड टू द चेंज इन प्राइस. सभी का सेम नहीं होता, सभी का सेम नहीं होता. एक एग्जाम्पल देता हूं, आपकी जिंदगी में भी आपकी बेसिक सिंपल सी चीज देखो. कुछ लोग आपकी जिंदगी में ज्यादा भाव खाने लगते हैं ना तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, और कुछ लोग आपकी जिंदगी में कितना भी भाव खा ले उनकी डिमांड कम नहीं होने वाली. एग्जाम्पल मम्मी पापा. मम्मी पापा कितना भी भाव खा ले, अरे कितना भाव बढ़ गया इनका, इतना भाव खा रहे मेरे घर वाले, बट उनकी डिमांड कभी कम नहीं होगी. शाम हुई नहीं की मम्मी खाने को दे, ठीक है. सुबह हुई नहीं की पप्पा पैसे दो, पप्पा ये दो, मम्मी ये दो. क्यों? घर घर उनका है, बेड उनका है, टीवी उनका है, जो कपड़े पहने वो उनके है, सब कुछ उनके है. तो एक बात समझो, वो नेसेसिटी है आपकी. घर वाले कितना भी भाव खाओ आपको उनकी जरूरत पड़ने वाली है. इसीलिए अगर उन्होंने घर वालों ने बहुत भाव खाया ना, घर वालों ने बोला देख तू सीएसईटी पास होना तेरे को 100 रुपए देंगे, आप क्या बोलोगे? नहीं छे तुम्हारे 100 रुपए जा रहा मैं घर से निकल के. नहीं, आप उनको जितना भाव खाना है खाने दो, उनकी डिमांड कम होने वाली नहीं है. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, प्रोडक्ट्स घर वाले नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है. मैं घर वालों को सिर्फ एग्जांपल दिया कि कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे भाव खा ले तो भी उनकी डिमांड कम नहीं होगी, और कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे भाव खा ले ना आप बोलोगे गेट लॉस्ट, तेरा इतना सभी भाव बढ़ा ना तेरे को हकाल दूंगा, मेरे को कुछ जरूरत नहीं तेरी, तू रहना है रह वरना मत रह. ऐसे कौन लोग हैं जिनको आप जानते तक नहीं हो? जैसे आप नीचे खड़े हो, रिक्शा वाले को रुका रहे हो, रिक्शा वाले को बोला जाने का है क्या, वो बोलता हाँ जाएगा, बोल किधर जाने का है, आप बोलोगे भाई इतना एटीट्यूड भी हो तेरे में, बोलेगा इस सच्चे में चलने का है तो चला, बोलोगे नेट गेट लॉस तेरी गरज नहीं मेरे को. ट्राई एंड अंडरस्टैंड. वैसे ही प्रोडक्ट्स की केस में होता है. प्रोडक्ट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है हमारा मोबाइल फोन. एक बार खाने को नहीं मिला चलेगा सर, फोन चालू रहना चाहिए, ठीक है. फोन में वीडियो कॉल चालू रहना चाहिए, गर्लफ्रेंड की शक्ल दिखनी चाहिए, किसकी वो मैटर नहीं करता, किसी की भी गर्लफ्रेंड की शक्ल दिखे हमें क्या फर्क पड़ता है, या बॉयफ्रेंड की, डजंट मैटर. अब एक बात समझो बच्चों, हमारी जिंदगी में नेसेसिटी क्या है? मोबाइल फोन है या नहीं है? खाना पीना, एजुकेशन, बेसिक नेसेसिटीज. इकोनॉमिक्स तो बोलता है, देखो भैया इकोनॉमिक्स बोलता है जीने के लिए जो जरूरी है वो है फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है. इकोनॉमिक्स बोलता है भैया खाना, खाने के लिए तो जीते हैं, मैं तो खाने के लिए जीता हूँ भैया. खाना मिलना चाहिए अच्छा, कपड़े अच्छे होने चाहिए, रहने के लिए एक सर के ऊपर छत होना चाहिए, ये सब है. बट अगर बीमार रहता हो तो कुछ फायदा नहीं. और सब कुछ है बट ना मेरे को बोलने की अक्कल है, ना चलने की अक्कल है, ना चार लोगों में बैठने की अक्कल है, मुंह खोलता हूं तो बकवास करता हूं, तो मेरी जिंदगी कुछ काम की नहीं है. इसीलिए ये भी होना चाहिए, ये हमें जानवरों से इंसान बनाता है, दैट इज एजुकेशन. इसका मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स पढ़ना नहीं बोल रहा हूं मैं. एजुकेशन जो है ना, आपको जो भी सीख मिली है बच्चों जिंदगी में, स्कूल में बोलो, कॉलेज में बोलो, जहां पे भी बोलो, एजुकेशन का मतलब जो भी सीख आपको मिली हुई है वो आपको बहुत सारी चीजों में काम आती है. जैसे मैथ्स पढ़ने की वजह से आपका दिमाग लॉजिकल थिंकिंग करने में काम आ रहा है, हिस्ट्री पढ़ने की वजह से आपका दिमाग
कि कैपेसिटी बढ़ गई चीजों को याद रखने की, वैसे सोचो जो भी किया आपने जिंदगी में कहीं ना कहीं आपका फायदा हुआ है उस चीज का, ठीक है। तो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ और एजुकेशन, ये बेसिक नेसेसिटीज है। आदमी को एक बार गर्लफ्रेंड नहीं मिली चलेगा, ठीक है, आदमी को इंटरनेट नहीं मिला चलेगा, बट खाना मिलना चाहिए। आदमी को खाना मिला, कपड़े भी मिलने चाहिए, इधर उधर जाने का कैसे जाओगे बिना कपड़ों के जाओगे, रहने के लिए छत होनी चाहिए। अगर आपको 10 लाख रुपए, आपके पास कुछ पैसे नहीं है, आपको 10 लाख रुपए मिले, आपको रहने के लिए घर नहीं है, तो आप घर खरीदोगे या मोबाइल फोन खरीदोगे महंगा जाके 50,000 रुपए वाला? नहीं खरीदोगे, आप घर खरीदोगे, खाना खरीदोगे। सो ये कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है कि इनकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ भी गई ना तो भी हमें थोड़ा बहुत तो इनकी डिमांड पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट एग्जांपल हेल्थ था बच्चों। पैंडेमिक में इतनी बुरी हालत थी लोगों की, घर में खाने को नहीं वाला नहीं था, बट लोगों ने हेल्थ पे खर्चा किया। हेल्थ पे कब? अगर कोई बीमार हो गया, भगवान ना करे, बट अगर पैंडेमिक में किसी के घर पे सच में कोई सीरियस हो गया, हॉस्पिटल्स के इतने बिल्स आ रहे थे, लोगों ने अपना घरदार बेच दिया बट हॉस्पिटल्स के बिल पे किए, मतलब हॉस्पिटल का भाव इतना बढ़ गया, हॉस्पिटल के रेट्स इतने बढ़ गए, फिर भी उसकी डिमांड कम नहीं हुई क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हेल्थ का पार्ट है हमारे। समझा कि नहीं समझा? बट जैसे जो चीजें हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं थी, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मूवीज देखना। हालांकि थिएटर्स में जाके मूवीज देखना हमारे लिए जरूरी है, बहुत मजा आता है थिएटर में मूवी देखने के लिए, अगर तुम सच में मूवी देखने जा रहे हो तो। समझा? मतलब मैं तो मूवी देखने ही जाता हूँ थिएटर में, ठीक है, तुम लोग भी जाते ही होंगे मूवी देखने के लिए, राइट? यस। तो हम अगर थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वो हमारे लिए जरूरी है, बट एक बात बताता हूँ, अचानक से मूवी थिएटर्स ने बोला 1,000 रुपए टिकट लगेगी भैया पिक्चर देखने के लिए, आप बोलोगे गेट लॉस्ट, हमारे पास और भी जगह है जाने के लिए, कौन सी तुमको ही पता, मुझे नहीं मालूम। समझा यहाँ पे? ठीक है, तो अब थिएटर में जो करने जाते हो पिक्चर देखने के लिए, वही काम करने के लिए और कौन सी जगह हो सकती है? घर, घर में टीवी लगा के बड़े स्क्रीन पे देख लो, वर्स्ट ऑप्शन वही है। तो अगर वो 1,000 रुपए मांग रहा है थिएटर वाला तो हम बोलेंगे गेट लॉस्ट, बट अगर वही आपके एजुकेशन के लिए जो चीज पहले 100 रुपीज की आती थी वो अब 1,000 रुपए की आ रही है तो भी आपके घर वाले खरीद के देंगे। खाना, जैसे अब कुछ खाने के प्रोडक्ट्स महंगे हो गए, जितनी बारिश हो रही है महाराष्ट्र में जिसकी वजह से शॉर्टेजेस हो गए फूड के, फूड महंगा हो गया तो भी उनकी डिमांड जनरली कम नहीं होती है। दूध, ठीक है, शेल्टर, रेंट्स बढ़ भी गए तो भी। समझा? सो ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी डिमांड पे प्राइस का ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट बट ज्यादा नहीं पड़ता, जबकि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर भयानक इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा भी महंगा हो गया ना लोग बोलते गेट लॉस्ट, हमको वैसे भी ये खरीदने का नहीं था, और महंगा हो गया हमको अभी भी नहीं खरीदने का। तो अब सर मेजर कैसे करें? तो मेजर करने के लिए हम एक कंसेप्ट देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि जब प्राइस चेंज हो रही है तो डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, हाउ सेंसिटिव द डिमांड इज फॉर ऑफ अ गुड्स, ठीक है, बेस्ड ऑन ईदर द प्राइसेस और इनकम। इनकम भी देखेंगे बाद में, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि सर इनकम बदलने की वजह से भी डिमांड बढ़ गई, जैसे लोगों की इनकम बढ़ गई। इंडिया का एग्जांपल ले लो, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ फ्री हुए थे, ठीक है, आज इंडिया में कुछ चीजों की डिमांड इतनी 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 ज्यादा है कि पाकिस्तान के लोग सोच भी नहीं सकते। मैं उनको नाम नहीं रख रहा हूँ, हम लोगों को किसी को नाम नहीं रखना है हमारे देश के साथ, यही अच्छी बात है कि हम लोग लोगों को नाम नहीं रख रहे, बट एग्जांपल दे रहा हूँ। इंडिपेंडेंट तो साथ में हुए थे ना, वो तो हमसे एक दिन पहले इंडिपेंडेंट हुए थे पाकिस्तान, बट इंडिया में देखो, जस्ट इमेजिन। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी तुम्हें देश में क्या चल रहा है इकोनॉमिकल हालत पे अंदाजा होना चाहिए। तो बच्चों, जो कंज्यूमर गुड्स बेचने वाली कंपनीज है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, या फिर गाड़ियां बेचने वाली कंपनीज, मोबाइल फोन बेचने वाली कंपनीज, इंटरनेट बेचने वाली कंपनीज, इन सबका सेल बढ़ रहा है। 1.5 साल के पैंडेमिक में इनका, बहुत लोगों का सेल बढ़ा 1.5 साल के पैंडेमिक होने के बावजूद, गाड़ियों के सेल बढ़ रहे। Why? Because we Indians are earning more. So see, even though the prices of the products are not changing, when incomes change, then also what happens? When incomes change, then also demand change. तो कितनी इनकम चेंज होने के बाद कितना डिमांड में चेंज आया, ये देखना है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्योरली मैथमेटिकल फिगर है। एग्जाम्पल देता हूं, सपोज किसी चीज की डिमांड थी 1,000 यूनिट्स when its price was 100 rupees per unit, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, प्राइस बढ़ के दो पॉसिबिलिटीज है, प्राइस बढ़ी या प्राइस कम हो गई, ठीक है। अब दोनों पॉसिबिलिटीज दिखा देता हूं मैं तुमको, ठीक है। जब उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 110 रुपीज पर यूनिट,
पहली बात तो ये समझो, प्राइस बढ़ गई है। अब प्राइस बढ़ी है तो डिमांड का क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? कम ऑन, जल्दी 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 जल्दी। प्राइस जब उसकी बढ़ गई है तो डिमांड के साथ क्या होगा? व्हाट हासिल ऑफ डिमांड, क्या हासिल होगा डिमांड का? यस, डिमांड कम हो जाएगी। सपोज डिमांड कम हो गई अप टू 900 यूनिट्स, अब डिमांड की क्या कम होने की पॉसिबिलिटीज है? देखो, प्राइस हो गया 110 यूनिट्स, 110 रुपीस पर यूनिट, डिमांड हो गया 900 यूनिट्स, ठीक है? या फिर डिमांड जो है, डिमांड कम हो गया अप टू 800 यूनिट्स, या फिर डिमांड कम हो गया अप टू 950 यूनिट्स। मैं तीन केसेस में बता रहा हूं तुम लोगों को, डिमांड कम हो गया 950 यूनिट्स। अगर गौर से देखोगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अब एक बात समझो, प्राइस 100 से 110 हो गई, मतलब प्राइस हैज गॉन अप बाय 10 रुपीस, चेंज इन प्राइस इज 10 रुपीस, ओरिजिनल प्राइस वाज 100। बच्चों 100 में चेंज होके 110 हुआ है, 110 में चेंज होके 100 नहीं हुआ है। बेस है ना, परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त याद रखना बेस है ना, जब परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो तब बेस क्या लोगे आप? प्लस रहने दो, प्लस इंपॉर्टेंट है, इनटू 100 हो जाएगा क्योंकि हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखोगे तो देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 10%। Price has gone up by 10%. अब डिमांड की केस में देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड का फॉर्मूला है चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू 100, ठीक है? चेंज इन डिमांड, यहाँ पे कितना चेंज हुआ है बच्चों? 100 यूनिट से कम हुई है डिमांड, चेंज इन डिमांड हुआ है 100, ओरिजिनल डिमांड थी 1000 इनटू 100, तो यहाँ पे डिमांड कम हुई है 10% से, ओके? जब डिमांड, अगर डिमांड 800 यूनिट्स तक, कुछ भी हो सकता है बच्चों, देखो प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होने वाली है ये तो हमें मालूम है, प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड कम होने वाली है ये तो हमें मालूम है। प्राइस जब 100 से 110 हो गया, प्राइस 10% से बढ़ गया, डिमांड 900 यूनिट हो गई, 800 यूनिट हो गई, 950 यूनिट हो गई, तो डिमांड यहाँ पे 10% से गिर गई। अगर डिमांड 800 यूनिट्स पे आ गई है तो डिमांड 200 यूनिट से कम हुई है, ओरिजिनल डिमांड 1000 था इनटू 100, तो डिमांड कम हुआ है 20% से, डिमांड कम हुआ है 20% से, इस केस में डिमांड कम हुआ है 20% से। और लास्ट केस अगर हम लोग देखते हैं तो 50 यूनिट से डिमांड कम हुआ है, 50 यूनिट डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट इनटू 100 इज -5%, ठीक है, इज -5%, ओके? और इस पे से हम देखेंगे डिमांड इलास्टिसिटी, इसके अलावा भी है, ठीक है, इसके अलावा भी है, बट इन तीनों केसेस में क्या हुआ है देखो। अब केस वन, केस टू, केस थ्री, केस वन में जितना देखो, यहाँ पे क्या देखना है, डिमांड इलास्टिसिटी इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल। यहाँ पे हमने प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लिया है, कंज्यूमर की इनकम ने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। तो अब पहली केस लेते हैं बच्चों, एक काम करो, एक सेकेंड रुक जाओ, पहली केस, लेट अस टेक केस वन। केस वन में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 10% एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ऑल्सो 10%। तो फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, केस वन में आ रहा है -10 डिवाइडेड बाय +10 विच इज इक्वल टू -1। माइनस वन मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब माइनस का मतलब होता है इनवर्स, तो इसको आप वन भी लिख सकते हो। माइनस यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहा है, माइनस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहा है कि एक अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। केस टू की अगर बात करें, -20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू -2 एंड केस थ्री की अगर बात करें, -5 डिवाइडेड बाई +10 विच इज इक्वल टू -0.5। अगर आप इलास्टिसिटी की बात करो, इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पहले आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन डिमांड। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे आएगा, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू 100। सर ओरिजिनल डिमांड क्यों? क्योंकि 1000 में चेंज होके 900, 800 या 950 हुआ है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड न्यूमरेटर में ले लिया डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तीन पॉसिबिलिटीज है, इन माइनसेस को इग्नोर करो। एक तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा। केस 1 में
केस वन में इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक का मतलब है प्राइस जितना परसेंट से कम हो रहा है डिमांड एग्जैक्टली उतने परसेंट से बढ़ रहा है. केस वन इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड मतलब ये कमोडिटी ऐसी है कि उसका प्राइस जितना परसेंट गिरेगा उसका डिमांड एग्जैक्टली उतने परसेंट बढ़ेगा, या प्राइस जितना परसेंट बढ़ा डिमांड एग्जैक्टली उतने परसेंट कम होगा. दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ठीक है, दिस इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. केस टू अगर देखे, केस टू अगर केस टू में देखो तो केस टू में डिमांड इलास्टिसिटी आ रही है टू, एंड इफ यू लुक एट इट केयरफुली देन टू इज ग्रेटर देन वन. इसका मतलब इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, we call this as relatively elastic. Relatively elastic, relatively more elastic या relatively elastic, इसका मतलब क्या है? इसकी price थोड़ी सी बड़ी ना कि इसकी demand ज्यादा कम हो जाती है, price 10% बड़ी demand 20% से नीचे आ गई. Relatively elastic मतलब अगर price थोड़ी भी change होगी ना demand में ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा. अगर price 10% से बड़ी तो या demand 20% कम हो गई, वही उल्टा भी होगा. प्राइस जब 10% से कम होगी ना डिमांड 20% से बढ़ेगा, इसका डिमांड बढ़ेगा भी बहुत स्पीड से, बट अगर प्राइस गलती से ऊपर गया ना तो इसका डिमांड गिरेगा भी उतने ही स्पीड से. समझा? लास्ट केस, इसके अलावा दो केसेस है, रुक जाना. केस थ्री में हमें दिख रहा है कि इलास्टिसिटी इज 0.5 विच इज लेस देन वन. तो केस थ्री में इट इज लेस देन वन, इट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इन इलास्टिक. ऊपर की केस में इट इज रिलेटिवली इलास्टिक, नीचे की केस में इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक. रिलेटिवली इन इलास्टिक मतलब प्राइस तो चेंज हो रहा है बट जितना बड़ा चेंज प्राइस में आ रहा है उतना बड़ा चेंज डिमांड में नहीं आ रहा. समझा? तो ये लेस रिस्पॉन्सिव है. तो अब इन तीनों केसेस में देखो, फर्स्ट केस में डिमांड इज एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिव टू द चेंज इन प्राइस. जितना प्राइस में चेंज करो डिमांड उतना बढ़ लेगा. प्राइस 10% बढ़ाओ डिमांड 10% कम, प्राइस 20% बढ़ाओ डिमांड 20% कम. सेकंड केस, अगर प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड इतनी कम हो गई, देखो प्राइस 10% से बढ़ने के बाद डिमांड कम हो गई 800 यूनिट्स तक, तो इट इज रिलेटिवली इलास्टिक. रिलेटिवली इलास्टिक मतलब थोड़ी प्राइस बढ़ी कि बहुत ज्यादा डिमांड कम हो जाएगी, थोड़ी प्राइस कम हुई कि बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी. दिस इज मोर रिस्पॉन्सिव, दिस इज मोर रिस्पॉन्सिव. एंड द लास्ट वन इज लेस देन वन. लेस देन वन वाली केस में प्राइस जितना बढ़ रहा है डिमांड उससे कम ही कम हो रहा है, और प्राइस जितना कम हो जाएगा डिमांड उतना नहीं बढ़ेगा. दिस इज रिलेटिवली इन इलास्टिक. दिस प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड लेस रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन प्राइसेस. इसके अलावा दो प्रोडक्ट्स और हो सकते हैं. जैसे एक प्रोडक्ट ऐसा होगा उसकी प्राइस की कुछ भी बदल जाए उसकी डिमांड चेंज ही नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, उसकी डिमांड 1000 थी जब प्राइस 100 था, ठीक है, प्राइस बढ़ के, प्लीज ध्यान दो, प्राइस बढ़ के 110 हो गया फिर भी डिमांड 1000 है. तो अब अगर मैं देखू तो चेंज इन डिमांड इज 0 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस 10, आंसर इज 0. 0 मतलब इट इज इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक. परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ऐसा होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है इसकी प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए इसकी डिमांड में चेंज आने वाला नहीं है. इसकी प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए इसकी डिमांड में चेंज नहीं आएगा. ये होती हमारी नेसेसिटीज, ये होती हमारी नेसेसिटीज. और लास्ट वाला है परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक ऐसा है कि इतनी सी भी प्राइस कम हुई ना डिमांड इंफिनिटी तक बढ़ जाएगा. समझा? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला और टाइप्स दिए है, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक. ऑब्वियसली ये सब हम कल करेंगे बच्चों. रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है, एंड यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. और ये सब हमारा कल एक्सप्लेनेशन होगा. होपफुली आई विल बी, होपफुली नहीं, सॉरी, आई प्रॉमिस्ड आई विल बी लाइव टुमारो. ठीक है, सो सी यू टुमारो इन माय लेक्चर. इट वाज रियली ग्रेट टीचिंग यू, एंड कल से और ज्यादा मजा आएगा क्योंकि आई विल बी इंटरैक्टिव विद यू. मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दोगे, और उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो थोड़ा स्लो भी होगा बट इट्स ओके, हम लोग अच्छी स्पीड से जा रहे हैं, हम 30th तक खत्म कर देंगे. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. टाटा, बाय बाय. अब आएंगे आपके साथ, ठीक है, वो आपका स्केड्यूल देख लेना. बाय.